गुड मॉर्निंग किड्स, टुडे वी विल स्टार्ट न्यू यूनिट, यूनिट 6, फैक्टर एंड मल्टीपल्स। इस यूनिट में हम फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के बारे में सीखेंगे। यहाँ पे देखिए, ए फैक्टर ऑफ ए नंबर, एक नंबर का जो फैक्टर है इज़ ए नंबर, वो संख्या होती है विच कम्प्लीटली डिवाइड्स द गिवन नंबर, जो दिए हुए नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड करता है विदाउट लीविंग ए रिमाइंडर, बिना रिमाइंडर को छोड़े, तो उसे फैक्टर बोलते हैं। कि कोई नंबर आपको दिया हुआ है और कोई जो दूसरा नंबर है जो उस फर्स्ट नंबर को डिवाइड कर रहा है कम्प्लीटली, तो वो नंबर जो दिया हुआ नंबर है उस नंबर का क्या है फैक्टर। यहाँ पे देखिए, जैसे 8 है, जो 1 है वो 8 को कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है, तो जो 1 है वो 8 का क्या है फैक्टर है। सेकंड देखिए, मल्टीपल्स, ए मल्टीपल ऑफ ए नंबर इज ए नंबर ऑब्टेंड बाय मल्टीप्लाइंग द गिवन नंबर बाय काउंटिंग नंबर्स 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। जो मल्टीपल होता है, किसी नंबर का जो मल्टीपल होता है वो मल्टीपल मल्टीप्लाई करने पे प्राप्त होता है। जैसे कि हम उस नंबर को, उस नंबर का जो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमें प्राप्त होगा वो मल्टीपल्स होगा उस नंबर का, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दूसरा मल्टीपल होगा। यानी कि एक तरीके से एक टेबल है, जैसे कि यहाँ पे मैंने 8 का टेबल 1 टाइम पढ़ा, तो 8 1 जा 8, तो जो 8 है वो 8 का मल्टीपल है। 8 2 जा 16, तो 16 जो है वो 8 का मल्टीपल है। 8 3 जा 24, जो 24 है वो 8 का मल्टीपल है, थर्ड मल्टीपल है। यहाँ पे देखिए, हम एक्सरसाइज करेंगे तो और इसे ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। यहाँ पे देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे 5 7 जा 35 है, तो जो 5 एंड 7 है, 5 एंड 7 आर द ऑफ 35। 35 के ये क्या है 5 और 7, तो देखिए जो 35 है, 5 से 5 जो है वो 35 को कम्प्लीटली डिवाइड कर देगा एंड 7 भी 35 को कम्प्लीटली डिवाइड कर देगा, तो ये 5 एंड 7 क्या है 35 के फैक्टर्स हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फैक्टर्स। सेकेंड है 11 8 जा 88, तो जो ये 88 है इज़ ए ऑफ 11 एंड 8, जो 88 है वो 11 और 8 का क्या है, तो 88 जो है वो 11 के टेबल में भी आता है एंड 8 के टेबल में भी आता है, तो 88 क्या है वो 11 और 8 का मल्टीपल है, मल्टीपल इस तरीके से करना है ये। सेकेंड देखिए, राइट द फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 9। अभी मैंने बताया कि मल्टीपल्स में टेबल पढ़ना होता है, तो यहाँ पर हमें 9 के फर्स्ट 4 मल्टीपल्स लिखने हैं, तो हम लिखेंगे इसको 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, तो ये मल्टीपल्स हैं, 4 मल्टीपल्स। बी के राइट ऑल मल्टीपल्स और ऑफ 11 लेस देन 100। यहाँ पे हमें 11 के मल्टीपल्स लिखने हैं, वो सभी मल्टीपल्स लिखने हैं जो 100 से कम होते हैं, तो हम 11 9 जा 99 तक लिखेंगे, क्योंकि 11 10 जा हम लिखेंगे तो 110 आएगा, तो 110 तो 100 से ज़्यादा होता है, तो हमें तो केवल 100 से लेस देन यानी 100 से कम के मल्टीपल्स लिखने हैं, तो हम 11 का टेबल 9 जा तक पढ़ेंगे, 9 टाइम्स तक, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 11 3 जा 33, इस तरीके से। तो आपको ये क्वेश्चन खुद करना है। यहाँ पे देखिए, सी क्वेश्चन है, राइट ऑल मल्टीपल्स ऑफ 4 बिटवीन 30 एंड 60। आपको 4 के मल्टीपल्स लिखने हैं, वो लिखने हैं जो 30 एंड 60 के बीच के होते हैं, तो यहाँ पे बीच के लिखने हैं। यहाँ पे आपको मल्टीपल्स ही फाइंड करने के लिए बोला है, लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि किसी के 100 से कम के लेने हैं, किसी में 30 से 60 के बीच तक के लिखने हैं, तो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसके मल्टीपल्स लिखने हैं। आपको बी क्वेश्चन, सी क्वेश्चन एंड डी क्वेश्चन खुद करना है। थर्ड देखिए, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 45। 45 के फैक्टर्स लिखने हैं, तो अब 45 के फैक्टर्स हम ये देखेंगे कि 45 जो है वो किस किस के टेबल से कटता है। 45 जिस जिस के टेबल से कटेगा वो 45 के क्या होंगे, फैक्टर्स होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 का ए है, ए नहीं ओनली क्वेश्चन नंबर 3 है, 45 है। अब देखिए, 45 1 के टेबल में आता है, तो 1 फैक्टर है 45 का। 2 से 2 45 जो है वो 2 के टेबल में नहीं आता, तो 2 नहीं है, 3 के टेबल में आता है। आप डिवाइड करके देखें रफ कॉपी में, तो आपको पता चल जाएगा कि ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा 3 से, तो 3 से पूरा पूरा डिवाइड होगा, इसका मतलब 45 जो है वो 3 के टेबल से पूरा कम्प्लीटली कट सकता है, तो हम 3 भी लिखेंगे। 4 के टेबल में 45 नहीं आता, 5 के टेबल में आता है,
फाइव नाइन जा 45 तो 5 भी लिखेंगे, 6 के टेबल में नहीं आता, 7 के टेबल में भी नहीं आता, 8 के टेबल में भी नहीं आता, 9 के टेबल में आता है 45 तो 9 5 जा 45, 10 के टेबल में भी नहीं आता, 11 में भी नहीं आता, 12 में, 13 में, 14 में, 15 में, 15 में आता है, 14 के टेबल में भी नहीं आता, 15 के टेबल में आता है 15 3 जा 45। अब 16 में, 17 में नहीं आता, अब डायरेक्ट आएगा आपका 45 के टेबल में। तो ये सारे 45 के फैक्टर्स हैं, क्योंकि 45 इनके टेबल से कटेगा, तो ये सारे 45 के फैक्टर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, चेक वेदर। यहाँ पे हमें चेक करना है कि ए क्वेश्चन दिया हुआ है 12 इज़ ए फैक्टर ऑफ 108, क्या कि 12 जो है वो 108 का फैक्टर है या नहीं है, ये हमें चेक करना है। तो हमें जब इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो हम डिवाइड करके देखेंगे, अगर कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है तो ये इसका फैक्टर है, अगर कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होता है तो ये इसका फैक्टर नहीं है। तो हम करके देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन नंबर 4 का ए है, पहले आप क्वेश्चन लिखेंगे, यहाँ पे मैं डिवाइड करके देखती हूँ, क्वेश्चन आपको खुद ही लिखना है। 108 12 के टेबल में 9 जा टाइम्स में आता है, 9 टाइम्स में 108, 12 9 जा 108, 108 में से 100 में 8 को माइनस करेंगे तो 0 आएगा, कम्प्लीटली डिवाइड हो गया है तो हम लिख देंगे 10 12 इज ए फैक्टर ऑफ 108, जो 12 है वो 108 का फैक्टर है, तो इस तरीके से हम लिख देंगे। अगर यहाँ पे ये डिवाइड कम्प्लीटली नहीं होता, कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होता तो हम यहाँ पे नॉट लगाते इसके बाद। यहाँ पे देखिए इसका बी क्वेश्चन देखिए, 234 इज़ ए मल्टीपल ऑफ 18। यहाँ पे ये पूछा गया है कि जो 234 है वो 18 का मल्टीपल है या नहीं है, तो इसके लिए भी हम डिवाइड करेंगे, अगर ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है तो मल्टीपल है, अगर ये कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होता है तो मल्टीपल नहीं है। तो आप जैसे अभी मैंने इसका ए क्वेश्चन बताया उसी तरीके से आपको करना है, इसमें आपको डी तक क्वेश्चन दिए हुए हैं तो आपको बी सी डी करने हैं। ये एक्सरसाइज आपको मैथ्स के रजिस्टर में करनी है, यूनिट सीज की एक्सरसाइज 1 की जो सारी हेडिंग्स है 1 2 3 4, ये आपको मैथ्स के रजिस्टर में करनी है। ब्लैक पेन से आपको हेडिंग लिखनी है और जो आप सॉल्व करेंगे उसे आपको ब्लू पेन से लिखना है। थैंक यू।